जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं वर्ष 2023 के उस घातक प्रहार को जिसने खास तौर पे बीएड वालों के ऊपर किया है। जी हां दोस्तों, 2023 बीएड वालों के लिए कुछ खास वर्ष नहीं रहा। उम्मीद करते हैं कि यह वर्ष खत्म होने वाला है, आने वाला नव वर्ष 2024 इससे काफ़ी बेहतर होगा और बीएड वालों के लाइफ में कुछ अच्छी खुशखबरी आएगी और अच्छी खुशियाँ आएंगी। आइए इस वीडियो में जिक्र करते हैं ऐसी तीन घटनाओं का जिसकी वजह से बीएड वालों का दिल कई बार टूटा है, बहुत बार टूटा है, बार बार टूटा है। शायद इन्हीं कारणों से कहा जाता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि दिल तोड़ने के लिए इश्क किया जाए, अगर कुछ ना हो करने के लिए तो आप बीएड भी कर सकते हैं। सो ऐसी तीन घटनाओं का जिक्र करेंगे दोस्तों। और सबसे पहली घटना जिसमें बीएड वालों को सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई वह थी दोस्तों 11 अगस्त 2023 की सुप्रीम कोर्ट का वह निर्णय जिसमें सुप्रीम कोर्ट बीएड वालों के माथे पे एक लांछन लगाते हुए कि बीएड आर नॉट गुड फॉर द क्वालिटी एजुकेशन एंड दे कांट प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन, दिस वाई दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द पीआरटी, यानी कि बीएड उच्च गुणवत्ता वाला शिक्षक प्रदान नहीं कर सकता, इसलिए बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाता है। 2018 के जिस नोटिफिकेशन देखकर बीएड करा था उस नोटिफिकेशन को ही रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया। तो ये वो पहली घटना थी जिससे 2023 में बीएड वालों का दिल तोड़ा। और ये घटना यही नहीं रुकी, इसके बाद की घटना को मैं इससे भी बड़ा मानता हूँ, क्योंकि ये फैसला तो ये करता है कि अब नए अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालय में नहीं आवेदन कर सकते हैं। लेकिन 7 दिसंबर जो पटना हाईकोर्ट ने छठे चरण में बीएड अभ्यर्थी जो कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो चुके थे, लगभग 22,000 की संख्या बताई जा रही है, इन 22,000 शिक्षकों को, शिक्षक अभ्यर्थी नहीं मैं शिक्षक कहूँगा क्योंकि ये ऑलरेडी नियुक्ति पत्र प्राप्त कर चुके थे, ये ऑलरेडी कहीं किसी प्राथमिक विद्यालय में अपना शिक्षक का कार्य कर रहे थे, इन 22,000 शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट ये कहती है कि जब बीएड प्राथमिक के लिए एलिजिबल नहीं है, जब बीएड प्राथमिक को क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकता, तो फिर ये किस आधार पर यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो पटना हाईकोर्ट ने इन 22,000 बीएड अभ्यर्थियों को अमान्य माना, इन 22,000 शिक्षकों को माफ़ करिएगा अयोग्य माना। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, वहाँ से कुछ फैसला सुखद आने की तो उम्मीद कम ही जताई जा सकती है, क्योंकि एक बार पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बीएड के खिलाफ फैसला दिया डीएलएड के पक्ष में, और एक बार फिर से ये अपने स्टेट हाई कोर्ट से इस केस को हारते हुए वहाँ जा रहे हैं। तो दूसरी घटना ये थी जब बीएड वालों को बहुत तकलीफ हुई। हालांकि ये मामला भले ही बिहार का हो, लेकिन वह भी बीएड के एक अभ्यर्थी हैं, वो शिक्षक बन चुके थे और उन्हें यहाँ पे पटना हाईकोर्ट अयोग्य मानती है। फैसले का आधार वही था कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को माना है कि दे आर नॉट गुड फॉर द क्वालिटी एजुकेशन इन द पीआरटी प्राइमरी लेवल टीचिंग, राइट। तीसरी घटना जो रिसेंट की घटना है, अब ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती। जी हाँ, ये वो आखिरी शिक्षक भर्ती थी जब उत्तर प्रदेश में 2018 में जारी की गई थी। और इस 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लगभग संख्या 32,000 की बताई जा रही है कि 32,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीएड करके प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे मामला थोड़ा पेचीदा है, इनको अभी निकाला तो नहीं जा सकता, लेकिन जिस आधार पे इन्हें शामिल किया गया था वो आधार ये था कि इन बीएड वालों को 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि 2018 की उस भर्ती में लगभग नियुक्ति प्राप्त करने और कार्यरत होने के 4 साल बाद भी उस ब्रिज कोर्स की रूपरेखा तय नहीं हो पाई है, और वो शिक्षक जो कि प्राथमिक में बीएड करने के बाद पढ़ा रहे हैं उन्हें अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं कराया जा चुका है। तो इसीलिए जो डीएलएड के अभ्यर्थी जो कुछ अंकों से रह गए थे, उन्होंने लखनऊ अलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और माना कि जब सुप्रीम कोर्ट उनको अयोग्य मानती है, जब पटना हाई कोर्ट उन्हें बाहर कर सकती है, तो उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती में जो प्राथमिक लेवल में बीएड के अभ्यर्थी और टीचिंग कर रहे हैं उनका यहाँ शामिल होना कहाँ तक सही है जब तक उन्हें ब्रिज कोर्स नहीं कराया जा चुका। तो ये रिसेंट का मामला है जहाँ पे अलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को ये साफ स्थिति करने को कहा है कि आप बताइए कि आप ब्रिज कोर्स कब करा रहे हैं और आपका इसके बारे में क्या निर्णय है कि क्या इस 69,000 भर्ती में शामिल वो 32,000 ऐसे शिक्षक जो बीएड करने के बाद कार्यरत हैं उनके आगे का भविष्य क्या होगा, क्या उन्हें रखना है नहीं रखना है, रखना है तो किस आधार पर रखना है, ब्रिज कोर्स का क्या हुआ, कब तक कराई जाएगी। तो वो तीसरी घटना है दोस्तों। अगर सरकार ने विनम्रता, सरकार ने प्रेम और सरकार ने सहयोग नहीं दिखाया तो बहुत आसानी से इन्हें वहाँ से भी निकाला जा सकता है। खैर, मामला न्यायालय में है, कुछ टिप्पणी करना अभी उचित नहीं होगा।
तो दोस्तों ये तीन प्रमुख घटनाएं जिससे बीएड वालों को बहुत आहत किया, और इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि अब थोड़ा सा बीएड की तरफ रुझान कम हुआ है। लेकिन फिर भी दोस्तों इस वीडियो के अंत में मैं एक बात कहूँगा, अगर अभी भी मुझसे ये कोई पूछे कि सर डीएलएड और बीएड में कौन सा बेटर ऑप्शन है, तो मैं उससे एक सवाल पूछूंगा कि आपका लक्ष्य क्या है, कि क्या आपका लक्ष्य स्कूल टीचिंग है या फिर आप अपने आप को आगे भी एक्सप्लोर करना चाहेंगे। यकीन मानिए मेरा अभी भी मानना है कि क्राउड बॉटम लेवल पे ज़्यादा होता है। अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती आती है तो वहाँ पे आवेदन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अगर टीजीटी की भर्ती आती है तो उससे कम आवेदन की संख्या होती है। पीजीटी की अगर टीचिंग वैकेंसीज आती है तो उसकी आवेदन कम होती है। दोस्तों अगर असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के भर्तियाँ आती है तो आवेदन की संख्या और कम होती है। अगर कोई मुझसे पूछे या मैं अपनी सलाह से मानूं, तो जिन बच्चों ने बीएड किया है वो बिल्कुल भी निराश ना हो, उनके लिए रास्ता खुला हुआ है, एमएड कर सकते हैं। एमएड करने के बाद उनके बहुत सारे चांसेस खुल जाएंगे, जैसे कि डाइट कॉलेज, डीएलएड कॉलेज में उनकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। नेट जीआरएफ क्वालिफाई कर ले तो बीएड वालों को पढ़ा सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, तीन विषयों पे वो पीजीटी दे सकते हैं, जैसे एजुकेशन फिलॉसफी और सोशियोलॉजी। तो इस तरीके के तमाम ऑप्शंस आपके आगे खुल जाते हैं, तो निराश होने की कोई बात नहीं है अगर आपने बीएड किया है। तो मैं तो यही कहता हूँ हर एक बच्चे से कि अगर आपने बीएड किया हो तो आगे पढ़ने का सपना हो तो आप बीएड के बाद एमएड करिए, एमएड के बाद नेट जीआरएफ की तैयारी ज़रूर करिए। फिलहाल दोस्तों मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं था कि मैं आपके उस जख्मों पे नमक छिड़कूँ, उस जख्मों को कुरेदूँ, उस भूल चुके जख्मों को याद कराऊँ। नहीं, साल के अंत में मैं बस याद दिलाना चाहता था कि ये तमाम चीज़ें बीएड वालों के साथ हुई है, और जो रिसेंट की घटना उत्तर प्रदेश की थी उसको मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहता था, जहाँ पे अलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को स्थिति साफ करने को कहा कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड के बच्चे शामिल है उनका भविष्य क्या होगा, इसके बारे में स्थिति साफ की जाए। तो ये तीन घटनाओं का जिक्र करते हुए इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा। आशा करूंगा कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत अच्छे से आप मेहनत कर रहे होंगे। बाकी दोस्तों शिक्षा जगत, खासतौर पर बीएड, एमएड, डीएलएड से संबंधित अन्य जानकारियों के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मुझे खुशी होगी, आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे और मोटिवेट करती हैं आगे इसी प्रकार के वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपकी जो भी राय, प्रतिक्रिया, सुझाव, सलाह, शिकायतें हो कमेंट में आप मुझसे कहेंगे, ताकि मैं भी आपसे बात कर सकूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। पीछे के बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ पर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ आसपास शायद कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ें ना हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलकर। मैं आशा करता हूँ कि अभी आपको भी अच्छा लगा होगा हमसे मिलकर। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी साथ। तो अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।